Hello friends, I am Mohammad Rais and today I am going to show you how we apply APP membrane, bitumen membrane कैसे apply किया जाता है. आज मैं आपको दिखा रहा हूँ. So you can see guys कि कैसे इसे torch से गर्म करके एक side melt करके surface के ऊपर लगाया जाता है. And you can see friends, this is 3 mm polyester reinforced APP membrane. और ये 3 mm पॉलिएस्टर इन्फोर्स्ड मेम्ब्रेन है और ये मिनरल टॉप मेम्ब्रेन है. दैट मींस कि आप इसमें देख सकते हैं कि स्मॉल एग्रीगेट्स हैं जो उसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको. और मिनरल टॉप मेम्ब्रेन इसलिए लगाया जाता है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई स्क्रीड और टाइलिंग और फ्लोरिंग ओवर द मेम्ब्रेन, तो ये इंश्योर करने के लिए कि उसके ऊपर जो भी टॉप लेयर आ रही है वो प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए सरफेस के साथ. एंड यू कैन सी गाइस, कि इसे ओके, सो इट इज़ लुकिंग गुड. ये अभी इसे अनरोल करके प्रॉपरली प्लेस कर रहे हैं और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो पहले से लगा हुआ मेम्ब्रेन है उसके साइड में इसे 3 to 4 mm का ओवरलैप देना होता है, टू एंश्योर दैट द मेम्ब्रेन इज़ प्रॉपरली ओवरलैप्ड. क्योंकि जॉइंट्स के ओपन हो जाने का भी इसमें चांसेस रहते हैं, तो इसे इंश्योर करना होता है कि प्रॉपर ओवरलैपिंग हुई हो. और एबीपी मेम्ब्रेन जो है वो टारफिल्ट का ही हायर वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है. टारफिल्ट ज़रूर आपने सुना होगा, जो कि काफ़ी पहले इस्तेमाल किया जाता था. अब नाउ अ डेज वी हैव मच बेटर क्वालिटी ऑफ एपीपी मेम्ब्रेन. राइट नाउ एपीपी स्टैंड्स फॉर अटैक्टिक पॉलीप्रोपिलीन पॉलीमर मेम्ब्रेन. तो दिस इज़ हाउ वी डू एपीपी मेम्ब्रेन एप्लीकेशन. इसमें एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं हम. प्रॉपरली ओवरलैप करके इसे फिर से रोल बना दिया जाएगा और एंड देन वी अप्लाई हीट. उसमें टॉर्च से हीट अप्लाई करके धीरे धीरे अनरोल करते हुए इस पर आगे बढ़कर उसे अप्लाई किया जाएगा. So you can see friends how it is applied. Comment below if you have anything to ask me. Comment kariye friends and you can subscribe the channel to have more information like this. Thank you.